हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 1 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, एक्स घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि x घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम जिस भी संख्या से भाग देते हैं, जैसे यहाँ पर हमें इस संख्या में भाग देना है, तो इस संख्या को यहाँ पर क्या लिखेंगे, भाग के चिन्ह के बीच में लिखेंगे एक्स घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पर हमें इन सभी से भाग देना है। जब पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो भाजक क्या होगा, x प्लस 1 होगा। जब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भाजक ये होगा, इसी प्रकार से हो रहेंगे। तो यहाँ पर हम जिस भी संख्या से भाग देते हैं वो आपका क्या होता है, भाजक होता है, और जिस संख्या में भाग देते हैं वो भाज्य होता है। और यहाँ पर भाग देने पर जो यहाँ पर आंसर प्राप्त होता है वो भागफल होता है, और जो लास्ट में आता है वो होता है शेषफल। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को इस विधि से सॉल्व नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम शेषफल प्रमेय विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह विधि बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पर इसको हम शेषफल प्रमेय विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में भाज्य दिया गया है उस भाज्य को हम पी एक्स के बराबर यहाँ पर मानेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पी एक्स के बराबर जो भी आपको भाज्य दिया गया है उस भाज्य को पी एक्स के बराबर यहाँ पर मानना है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये आपका क्या है, एक्स प्लस वन, इसी प्रकार से एक्स माने से एक बटे दो, ये आपका क्या है, भाजक। यहाँ पर आपको भाजक, वो भाजक के बराबर आपको क्या लेना है, जीरो लेना है। जैसे यहाँ पर एक्स प्लस वन है, यहाँ पर भाजक क्या है, एक्स प्लस वन, तो आपको क्या करना है कि इस भाजक के बराबर आपको जीरो लेना है। जैसे यहाँ पर जब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भाजक यहाँ पर एक्स प्लस वन होगा, जब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भाजक होगा एक्स माइनस एक बटे, तो इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन में एक्स होगा भाजक। तो यहाँ पर जब हम भाजक के बराबर जीरो लेंगे और यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर प्लस के एक का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो माइनस का एक हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि एक्स के मान को आपको इस भाज्य में रखना है, x की जगह x का मान रखना है। तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है, तो जो भी भाज्य दिया गया है उस भाज्य को यहाँ पर हम पी एक्स के बराबर मानेंगे। तो सबसे पहले हमने माना पी एक्स बराबर जो भी क्वेश्चन में दिया गया है बहुपद x घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1। जब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भाजक x प्लस 1 होगा, जब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भाजक x माइनस 1 बटे 2 होगा, जब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भाजक x होगा, और जब चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भाजक x प्लस पाई होगा, और पाँचवें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भाजक यहाँ पर क्या होगा, 5 प्लस 2x। लेकिन आपका जो भाज्य आपका यही रहेगा। तो यहाँ पर जब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भाजक यहाँ पर हम क्या लेंगे, x प्लस 1 लेंगे, भाजक बराबर x प्लस 1। और इन सभी क्वेश्चन को हम शेषफल प्रमेय विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। और शेषफल ज्ञात करने के लिए सबसे सरल जो विधि होती है वो शेषफल प्रमेय विधि होती है, इसलिए इसमें हम शेषफल प्रमेय विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए शेषफल प्रमेय विधि से, शेषफल प्रमेय विधि से। तो शेषफल प्रमेय विधि क्या होती है कि जो भी भाजक होता है उस भाजक के बराबर हम क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम शेषफल ज्ञात करते हैं तो हम शेषफल प्रमेय विधि का प्रयोग करते हैं, और शेषफल प्रमेय विधि में क्या होता है कि जो भाजक होता है उस भाजक के बराबर हम जीरो लेते हैं। जैसे यहाँ पर भाजक x प्लस वन है, जब हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, जब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा भाजक चेंज हो जाएगा, इसी प्रकार से। तो यहाँ पर जो भाजक है इस भाजक के बराबर
यहाँ पर हम जीरो लेंगे, और यहाँ पर यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे, तो जो प्लस का एक है इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर माइनस का एक हो जाएगा। अब इस एक्स के मान को यहाँ पर हम जो भी हमारा बहुपद पी एक्स था, उस बहुपद पी एक्स में हम एक्स की जगह माइनस एक रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स बराबर माइनस एक बहुपद पी एक्स में रखने पर, जो हमारा बहुपद था उस बहुपद में एक्स की जगह यहाँ पर माइनस एक रखेंगे, तो यहाँ पर पी जाके था एक्स की जगह एक्स का मान यहाँ पर क्या रखना है, माइनस एक बराबर चिन्ह भी जहाँ के था, यहाँ पर एक्स घन है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स की जगह एक्स का मान यहाँ पर माइनस एक लिखेंगे, और 3 की घात को यहाँ पर हम जहाँ के था लगाएंगे, प्लस चिन्ह जहाँ के था 3 भी जहाँ के था, यहाँ पर एक्स की जगह एक्स का मान यहाँ पर माइनस एक रखेंगे, और यहाँ पर वर्ग लगा है, वर्गों को जहाँ के था लगाएंगे। इसी प्रकार से प्लस चिन्ह 3 जहाँ के था, एक्स की जगह एक्स का मान यहाँ पर माइनस एक रखेंगे, और प्लस एक जहाँ। इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इसके बाद यहाँ पर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो पी माइनस एक जहाँ, और यहाँ पर माइनस एक का घन है, तो आइए इसको हम रफ में सॉल्व करते हैं कि माइनस एक का घन क्या होगा। तो यहाँ पर जब भी हमें किसी भी संख्या का घन निकालना होता है, तो यहाँ पर हम उस संख्या को यहाँ पर 3 बार लिखते हैं और गुणा करते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस एक के ऊपर कितने की घात लगी है, 3 की, तो माइनस एक को हम 3 बार लिखेंगे और यहाँ पर गुणा करेंगे, माइनस एक गुणित माइनस एक गुणित माइनस एक। और यहाँ पर सबसे पहले यदि हम चिन्ह की बात करें, तो जब 2 बार गुणा होता है, गुणा की बात करें, माइनस माइनस का यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, तो एक का गुणा एक में होगा तो यहाँ पर एक आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब प्लस एक का गुणा माइनस एक से होगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस का क्या होता है, गुणा में माइनस होता है, और एक का गुणा एक में होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ही आएगा, तो यहाँ पर माइनस एक का घन यहाँ पर कितना होगा, माइनस एक होगा। या फिर आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं कि जब भी माइनस चिन्ह के साथ संख्या के ऊपर क्या लगी हो, विषम की घात लगी हो, विषम संख्या क्या होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या, तो हमेशा चिन्ह क्या आता है, माइनस का चिन्ह आता है, तो यहाँ पर माइनस एक का घन क्या होगा, माइनस एक होगा, यहाँ पर प्लस चिन्ह जाके था 3 भी जाके था, और यहाँ पर माइनस एक का वर्ग निकालना है, तो माइनस एक का वर्ग मतलब यहाँ पर क्या है कि माइनस एक का वर्ग को हम जिस भी संख्या के ऊपर घात लगी हो, जैसे यहाँ पर माइनस एक के ऊपर 2 की घात लगी है या वर्ग लगा है, तो यहाँ पर माइनस एक को 2 बार लिखेंगे और यहाँ पर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर एक का गुणा एक से होगा तो यहाँ पर एक आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या फिर यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर 2 1 क्या है, एक सम संख्या, जब भी किसी भी संख्या के ऊपर चिन्ह सहित, जैसे यहाँ पर माइनस एक के ऊपर 2 की घात लगी है, सम संख्या की घात लगी होती है, तो चिन्ह हमेशा क्या आता है, प्लस चिन्ह आता है, जैसे यहाँ पर माइनस एक का वर्ग क्या होगा, प्लस एक होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ लगाएंगे, यहाँ पर 3 का गुणा माइनस एक से होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, -3, तो यहाँ पर हमने -3 लिखा और यहाँ पर प्लस एक जहाँ के तहाँ। इसके बाद यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर पी माइनस एक जाके था, माइनस एक भी जाके था, और यहाँ पर 3 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे, 3 एकम 3, और यहाँ पर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 3 जाके था, और यहाँ पर प्लस एक जाके था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस का एक प्लस का एक कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 3 माइनस के 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर पी माइनस एक का मान कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा, यही आपका क्या होगा, शेषफल होगा। अतः हम लिख सकते हैं, आता है शेषफल, जो शेषफल होगा, अतः शेषफल यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर जब हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो यहाँ पर जो भी हमारा बहुपद है, बहुपद तो यहाँ पर एक ही दिया गया है क्वेश्चन में, और यहाँ पर आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पर भाजक को चेंज करना है, जैसे जब हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया तो यहाँ पर भाजक x+1 है, जब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भाजक x-1/2 होगा, जब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भाजक x होगा, चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भाजक यहाँ पर क्या आ जाएगा, x+π आ जाएगा, जब 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भाजक 5+2π आ जाएगा।
तो इस प्रकार से यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। शेषफल यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में जो भाजक दिया गया है वो एक्स माइनस एक बटे दो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा बहुपद था भाई, बहुपद तो वही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में बहुपद तो एक ही दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी बहुपद था उस बहुपद को यहाँ पर हमने पी एक्स के बराबर माना, तो पी एक्स बराबर एक्स घन प्लस तीन एक्स वर्ग प्लस तीन एक्स प्लस वन। और यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में भाजक क्या दिया गया है, एक्स माइनस एक बटे दो। अब इसमें हम शेषफल प्रमेय विधि का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए शेषफल प्रमेय विधि से। जब भी हमें शेषफल ज्ञात करना होता है तो हम शेषफल प्रमेय विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा शेषफल प्रमेय विधि से। और शेषफल प्रमेय विधि में क्या होता है कि जो भी भाजक होता है उस भाजक के बराबर यहाँ पर हम जीरो लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स माइनस एक बटे दो। जैसे दूसरे क्वेश्चन में भाजक क्या दिया गया है, एक्स माइनस एक बटे दो, तो इसके बराबर हम जीरो लेंगे। यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे, तो जो माइनस एक बटे दो इस तरफ हैं, इस तरफ आएंगे तो जो प्लस के एक बटे दो हो जाएंगे। तो एक्स का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बटे दो। अब इस एक्स के मान को यहाँ पर हम अब बहुपद पी एक्स में रखेंगे, एक्स की जगह एक्स का मान क्या रखेंगे, एक बटे दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स बराबर एक बटे दो बहुपद पी एक्स में रखने पर, पी एक्स में रखने पर। तो हम एक्स की जगह एक्स का मान यहाँ पर एक बटे दो रखेंगे, तो यहाँ पर पी जाकेदा लिखेंगे। एक्स की जगह एक्स का मान यहाँ पर एक बटे दो रखेंगे, बराबर चिन्ह जाके था, यहाँ पर एक्स की जगह एक्स का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, एक बटे दो। और यहाँ पर तीन की घात को यहाँ पर हम जाके था लगाएंगे, प्लस चिन्ह जाके था, यहाँ पर तीन भी जाके था, एक्स की जगह एक्स का मान यहाँ पर एक बटे दो रखेंगे। और यहाँ पर जो वर्ग लगा है इस वर्ग को हम जाके था लगाएंगे, प्लस चिन्ह जाके था, तीन भी जाके था, एक्स की जगह एक्स का मान यहाँ पर एक बटे दो रखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा एक बटे दो और यहाँ पर प्लस एक जाके था। इसके बाद इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर पी एक बटे दो को हम जाके था लिखेंगे, बराबर चिन्ह जाके था। अब इसके बाद यहाँ पर एक बटे दो का यहाँ पर हमें घन निकालना है, तो यहाँ पर हम इसको रफ में सॉल्व करके देखते हैं कि एक बटे दो का घन क्या होगा। तो आइए इसको हम थोड़ा सा रफ में समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक बटे दो का घन निकालना है, तो हमें जब भी किसी भी संख्या के ऊपर तीन की घात दो की घात लिखी होती है तो हम उस संख्या को उतनी ही बार लिखते हैं, गुणा करते हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार की बटे वाली संख्या हो और आपको वर्ग निकालना हो या घन निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग संख्याओं का वर्ग या घन निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हमें सबसे पहले घन निकालना है, तो हम एक का घन निकालेंगे और दो का घन निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक के घन की बात करें, तो एक का घन क्या होगा, जिस भी संख्या के ऊपर घात लगी होती है उस संख्या को हम उतनी ही बार लिखते हैं जितने की घात लगी होती है। जैसे यहाँ पर एक के ऊपर कितने की घात लगी है, तीन की, तो हम एक को तीन बार लिखेंगे और यहाँ पर गुणा करेंगे। तो एक का गुणा एक एकम एक, एक एकम एक, एक का गुणा कितनी ही बार किया जाए उसका आंसर हमेशा कितना आता है, एक ही आता है। तो यहाँ पर एक का घन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम ऊपर की संख्या की बात करें तो एक का घन क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, बटे का चिन्ह जागे था। और दो के घन की बात करें यदि, तो दो का घन निकालेंगे यहाँ पर हम दो का घन, तो दो को हम कितनी बार लिखेंगे, तीन बार लिखेंगे और गुणा करेंगे, दो गुणे दो गुणे दो, तो दो दूनी चार और चार दूनी आठ। तो यहाँ पर दो का घन कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे प्लस चिन्ह जाके तम, तीन को हम जाके तय लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हम एक का वर्ग निकालेंगे और दो का वर्ग निकालेंगे, अलग अलग संख्या को, ऊपर की संख्या का हम अलग निकालेंगे और नीचे की संख्या का अलग निकालेंगे। तो यहाँ पर यदि हम एक का वर्ग निकालें, तो एक के वर्ग का मतलब यहाँ क्या है, एक को हम दो बार लिखेंगे, गुणा करेंगे, एक गुणे तीन, तो एक का गुणा एक से होगा तो यहाँ पर एक आ जाएगा। तो यहाँ पर एक का वर्ग कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा। और दो का वर्ग की यदि बात करें, तो दो का वर्ग का मतलब यहाँ पर क्या है कि दो को दो बार लिखेंगे और यहाँ पर गुणा करेंगे, तो दो गुणे दो, दो का गुणा दो से होगा, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, चार, दो दूने चार, तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा, दो का वर्ग चार। अब इसके बाद यहाँ पर हम गुणा करेंगे, तीन का गुणा, क्योंकि तीन ऊपर संख्या नीचे नहीं है, यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम एक लिख सकते हैं, तो तीन का गुणा एक से होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा। और दो नीचे हैं, नीचे की संख्या को हम जाके तक लिखेंगे और यहाँ पर प्लस एक जाके तक।
इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर पी 1/2 जाके था, यहाँ पर 1/8 भी हम जाके था लिखेंगे, प्लस 3 का गुणा यहाँ पर 1 से हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएंगे, और 4/4 को हम जाके था लिखेंगे, प्लस 3/2 को हम जाके था लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस 1 को भी हम जाके था लिखेंगे। यहाँ पर 1/2 कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम 1/1 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हम एलसीएम कैसे निकालते हैं आइए इसको हम समझते हैं, तो इसको हम रफ में समझते हैं। तो जब भी हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे संख्या क्या है, 8 है, 8 लिखेंगे, इसके बाद कोमा लगाएंगे, 4 लिखेंगे, इसके बाद 2 लिखेंगे, और यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। इन संख्याओं के यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है। जब भी हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर 2 2 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, और ये 1 जहाँ कितना आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर 2 से करेंगे, यहाँ पर हम 2 2 4, 2 1 2, 1 को हम जहाँ कितना लिखेंगे यहाँ पर, फिर 2 से जाएगा, तो यहाँ पर 2 1 2, 1 जहाँ कितना, यहाँ पर भी 1 जहाँ कितना, यहाँ पर भी 1 जहाँ कितना। अब यहाँ पर हम जो भी यहाँ पर साइड में संख्या लिखी होती है उन संख्याओं के यहाँ पर हम गुणा करते हैं, और इनका जितना भी गुणा आएगा इनका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 × 2 × 2, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, तो 2 2 4, और 4 का गुणा 2 से होगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 2 8, तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी 1/2 को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे, बराबर चिन्ह जहाँ के तहाँ। इसके बाद यहाँ पर हम जो नीचे की संख्याओं के यहाँ पर एलसीएम आया है कितना आया है, 8 आया है, तो यहाँ पर हम ऊपर की संख्या को जहाँ के तहाँ लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, नीचे की संख्या का भाग हम नीचे करेंगे, 8 का भाग हम 8 में करेंगे, जो भी हमारा एलसीएम आया है, तो 8 का भाग 8 में करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, 8 1 8, तो जितना भी आएगा उसको हम ऊपर गुणा करेंगे, प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम करेंगे, ऊपर की संख्या को जहाँ के तहाँ लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और नीचे की संख्या का भाग नीचे करेंगे, 4 का भाग 8 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4 2 8, और 2 का हम ऊपर गुणा करेंगे, प्लस चिन्ह जाके था। इसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे, 3 जाके था लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, नीचे की संख्या का भाग नीचे करेंगे, तो 2 का भाग 8 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2 × 8, ऊपर की संख्या से यहाँ पर हम गुणा करेंगे, यहाँ पर प्लस चिन्ह जाके था, ऊपर की संख्या को यहाँ पर हम जाके था लिखेंगे, 1 जाके था लिखा, गुणा का चिन्ह लगाया, 1 का भाग 8 में करेंगे, नीचे की संख्या का भाग नीचे करेंगे, 1 का भाग 8 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार, यहाँ पर 8 का ऊपर गुणा हो जाएगा। इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर पी 1/2 को हमने जहाँ के तहाँ लिखा, 1 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ, 3 का गुणा 2 से होगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ, 3 का गुणा यहाँ पर 4 से होगा, 3 × 4 यहाँ पर 12 हो जाएंगे, और यहाँ पर 1 का गुणा 8 से होगा तो यहाँ पर 8 आ जाएंगे, और नीचे की संख्या को यहाँ पर हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर पी 1/2 जहाँ के तहाँ लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे, प्लस 1 प्लस 6, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 7 और 12 कितने हो जाएंगे, 19, 19 और 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 27। तो ऊपर की संख्याओं को आपको जोड़ देना है, और नीचे 8 को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। अतः यहाँ पर जो आपका शेषफल होगा वो 27/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आता है शेषफल 27/8 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चौथे क्वेश्चन को और पांचवें क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन रह गए हैं इन क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।